पप्पू यादव में कोई अंतर नहीं जी, शिखंडी सब सबके लिए आए भाजपा तो दूसरा ही बात करता है वो। अब जब तक बिहार में लालू जी का अवार्ड नहीं मिलता है कोई अवार्ड नहीं। आपको अवार्ड लेना है ना। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फॉर नेशन पर। राजनीति में ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है, और स्थायी तो कुछ भी नहीं होता है क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। बिहार की ही बात कीजिए ना, बिहार में एक वक्त तक एक दूसरे के खिलाफ रहे, आज साथ हैं, और जो साथ थे वो एक दूसरे के खिलाफ हो गए। ऐसे में दो नेता जो कि खुलकर के एक दूसरे के विरोध की विचारधारा के विरोध की राजनीति करते नजर आते हैं, वो अगर एक कार्यक्रम में एक साथ नजर आए तो किस तरीके से हंस हंस के बात करते हैं वो भी सुनवाएंगे, किस तरीके से इन दोनों के बीच मजाक होता है वो भी सुनवाएंगे। ऑन स्क्रीन यानी कि राजनीति के चश्मे से जब आप देखेंगे तो ये नेता एक दूसरे के धुर विरोधी नजर आएंगे, लेकिन जब आप किसी निजी कार्यक्रम में देखेंगे तो ये सब आपको बड़े गहरे दोस्त से मालूम पड़ेंगे। कुछ ऐसा ही हुआ है बिहार के शेखपुरा में बीते दिनों, जब पप्पू यादव और गिरिराज सिंह एक कार्यक्रम में एक साथ नजर आए, और जब भी दोनों नजर आए तो वहां पर गिरिराज सिंह ने पप्पू यादव से लालू यादव के सर्टिफिकेट को लेकर के जो एक बात कही तो शिखंडी से लेकर के तमाम तरह के जवाब पप्पू यादव की तरफ से भी दिए गए। क्या कुछ हुआ उस पूरी कार्यक्रम में, उस शादी कार्यक्रम में जब दो विरोधी नेता दोस्त बन करके कार्यक्रम में मिले, किस तरीके से एक दूसरे से बात करते नजर आए, और लालू यादव के सर्टिफिकेट वाली बात कौन सी है, और आगे उस पूरे वीडियो में क्या कुछ हुआ छोड़ जाते हैं उसके साथ। जब तक लालू यादव जिंदा रहेंगे तब तक तो तेजस्वी मैं करना छोड़ दीजिए। आप तो क्या आपके विद्या वो कहाँ है, कोशिश तो करते ही किशोर जी को रखे, भूपेंद्र जी को रखे, किशोर यादव रखे, भूपेंद्र जी पप्पू यादव में कोई अंतर नहीं जी, शिखंडी सब सबके लिए आए। ये आपके जानते हैं इसका, हम लोग अकेले बताएंगे कि वो इनको हमारे पार्टी के कई लोग अभी भी तो मोदी जी से मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है, अटल जी से बहुत अच्छा रिलेशन था, आज भी रिलेशन आज भी सदन में चार बार आप लोगों ने हमको अवार्ड दिया ना, हमको मेरी बीवी भाई अवार्ड तो दूसरा ही बात करता है वो। अब जब तक बिहार में लालू जी का अवार्ड नहीं मिलता है कोई अवार्ड नहीं। आपको अवार्ड लेना है ना सर, हम पूरा क्या लेंगे आपको मानते हैं। अब तो आप अभी नौजवान हैं, ये नौजवान है, ये नौजवान है, 12 साल बड़ी हो जाता है ना, 15 16 साल तो बाप बेटा नहीं कर लो अभी बुरा नहीं जवान। चुनाव आप नहीं लड़े, चुनाव लड़ना नहीं लड़ना पार्टी कर लो, हम अपने सवाल किया हम अब आया हम अपने उम्र का लिहाज आगे अब हम लोग क्या। इसीलिए देखिए उधर देख पूछे क्या उम्र चुनाव नहीं लड़िएगा यही बात है, वो तो पार्टी जवाब कर ही दिए, चुनाव तो नौजवान भी पिछड़ा नहीं लड़ पाता क्या, चुनाव अगर उम्र से होता ना। जब आपने आपकी पार्टी तय की है अरे व्याकरण में अपार सब नहीं सुने, अपार सब तो व्याकरण का और राजनीति का दोनों की दो व्याख्या।